आज हम बेसन की सब्जी बनाने जा रहे हैं। बेसन का गट्टा नहीं बना रही हूँ मैं, बेसन के एक नए तरह से सब्जी बना रही हूँ। जैसे कभी आपके घर में कोई सब्जी नहीं है और आपको बनाना है कुछ, तो बेसन तो सभी के घर में होता है, तो इसके लिए आज हम बेसन के एक नए तरीके से सब्जी बना रहे हैं। इसके लिए हमें इन्ग्रीडियंट चाहिए, बेसन, जीरा, लाल मिर्च, धना पाउडर, हल्दी पाउडर, अजवाइन। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ये बेसन है, कम से कम ये 100 ग्राम बेसन है, इसमें हम धना पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, हल्दी डालेंगे आपको जितनी हल्दी डालना है, हल्दी डाल दी है हमने, लाल मिर्च डालना है इसमें, आप इसमें आपने जितना आप तीखा खाते हैं, जैसे हम कम तीखा खाते हैं तो हम कम मिर्च डाल रहे हैं। अब इसमें जीरा डालिए, अजवाइन डाल दीजिए, ये डाल लिया। अब इसमें नमक डालना है, नमक डालेंगे, ये नमक, कम नमक खाना है। अब हम इसको पानी से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से पूरा मिक्स कर। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा ये बैटर जो है ये तैयार हो गया है, ये मसाला देखिए। अब हम इसको साइड में रख देंगे, ठीक। अब हम गैस ऑन करेंगे, ये गैस ऑन हो गया हमारा। अब हम इसमें सबसे पहले तेल डालेंगे, इसमें कम से कम 3 चम्मच, 3 साढ़े 3 चम्मच तेल डाल दीजिए। तेल डाल दिया हमने। अब हम तेल में सबसे पहले जीरा डालेंगे, मस्टर्ड सीड जिसे हम राई बोलते हैं, राई डाल दिया, थोड़ा सा मेथी दाना है ये, मेथी दाना डाल दिया, थोड़ी अजवाइन डाल दिया इसमें। अब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे, हरा मिर्च डाल देंगे, गैस स्लो करिए। अब इसमें प्याज डाल देंगे और इसको ब्राउन करिए कम से कम 2 से 3 मिनट। ये हमारा प्याज अभी ब्राउन हो गया है इस तरह से, देखिए खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है प्याज की। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, ये धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, हल्दी डालेंगे 1/2 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच जितना आप तीखा खाते हो। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये फ्रेंड्स, मैंने इसमें 2 टमाटर और 2 कली लहसुन इसको मिक्सर में पीस लिया है। अब ये इसको हम इसमें मिला देंगे। ये हमारा जो मट्ठा है वो डाल देंगे, मट्ठा डाल दिया हमने, ये देखिए ये इस तरह से। अब हम इसमें पानी डालेंगे, इसको हिलाते रहिए। इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया। अच्छा फ्रेंड्स, हमने इसमें ये मट्ठा डाला था, कहीं कहीं इसको छाछ भी बोलते हैं, आप दही को भी फेंट कर इसमें डाल सकते हैं। इसमें नमक डाल देंगे, ये ग्रेवी हमारी तैयार हो रही है। अब हमने ये जो मसाला बनाया हुआ था, अब हम इसको क्या करेंगे, ये चटनी लिया है मैंने, इसको सीधे तरफ नहीं उल्टे तरफ से यहाँ पर इसको अपनी तरफ लेते हुए इसमें इस मसाले को डालना है, ये मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरा चैनल आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, तभी मैं आप ये मसाला ले लिया। अभी चलनी में हम इसको अपनी तरफ करते हुए इस तरह से इसको डालते जाएंगे, ऐसे डालते जाएंगे। चलो गैस तेज कर दीजिए, ये इसको इस तरह से डालते जाना है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और इसको धीरे धीरे हिलाते रहिए, नहीं तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए। अब हमने इसमें सारा अपना बेसन डाल दिया है, अब इसको धीरे से चलाइए। चलाने के बाद आप चाहे तो पतला रखना चाहते हैं पतला रखिए, आपको यदि ग्रेवी गाढ़ी खाना है तो आप गाढ़ी भी कर सकते हैं। बस अब इसको हम क्या करेंगे, ढक देंगे 5 मिनट के लिए, इसको आप ढक दीजिए मत। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी तैयार है।
सूखे भुजिए जैसे दिखते हैं वैसे ये दिख रहे हैं और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें।